हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको ही हम बोलते हैं थ्री पल्स कन्वर्टर। इसमें एम इज इक्वल टू थ्री है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आउटपुट का, टू पाई बाय एम, डेट इज टू पाई बाय थ्री रेडियन और 120 डिग्री, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। यहां पर हमने दिया थ्री फेस सप्लाई, थ्री फेस, पहला फेस हम मान लेते हैं आर, दूसरा फेस मानते हैं वाई, तीसरा फेस मान लेते हैं बी। थ्री फेस सप्लाई दिया, आर फेस में एक थायरिस्टर लगाया टी वन, दूसरे फेस में एक थायरिस्टर लगाया टी टू, तीसरे फेस में एक थायरिस्टर लगाया टी थ्री, ठीक है। नाउ इसको कनेक्ट कर दिया लोड से, लोड के क्रॉस वोल्टेज माना वी नॉट और लोड के थ्रू करंट माना आई नॉट एंड अ न्यूट्रल, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हो गया। Vs की वेव फॉर्म बना लेते हैं हम। इसमें तीन फेस के वोल्टेज आएंगे सप्लाई वोल्टेज में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फेस बना लेते हैं R फेस, ठीक है। तो आर फेस दिस इज आर फेस वी आर, वी आर की वेव फॉर्म ये हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, इट इज 90, ठीक है, 120 और 150 बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पर हमने चार डिवीजन और करे, यहां पर भी सिमिलरली हम चार डिवीजन कर लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड दिस मिडिल मैक्सिमम। यहां पर 180 हो गया, 210, 240, 270, 300, 330, ठीक है। ये हो गया आर फेस। अब बनाएंगे हम वाई फेस। वाई फेस आर फेस से कितने डिग्री लैग करेगा, 120 डिग्री। तो 120 से यहां पर स्टार्ट होगी वेव फॉर्म, 120 प्लस 180 अप टू 300 ये वेव फॉर्म जाएगी, ठीक है। तो इस वेव फॉर्म को मैं बना लेता हूं, ठीक है। देन इसका मैक्सिमम कहां आएगा, 30 डिग्री पे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया वी वाई। नाउ 240 से 120 डिग्री लैग करेगा बी फेस, तो इसकी वैल्यू, इसका स्टार्ट पॉइंट होगा 240 से, 240 से स्टार्ट होगा, 240 प्लस 90 इसका मैक्सिमम आएगा 330 पर, इसका मैक्सिमम आएगा 330 पर। देन नीचे जाएगा 210, 240, ठीक है, 240 माइनस 180 तो इट विल बी 60 डिग्री। तो 60 से जीरो क्रॉसिंग पॉइंट इसका होगा। नाउ इट्स लाइक दिस। तो ये हो गया बी फेस, आर फेस, वाई फेस एंड बी फेस, ये वेवफॉर्म हमने बना ली। अब देखते हैं
डिफरेंट फायरिंग एंगल पर इसकी वेवफॉर्म आउटपुट की कैसी होगी। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे जीरो फायरिंग एंगल पर इसकी वेवफॉर्म कैसी होगी। वी नॉट, ठीक है। नाउ सी, जीरो फायरिंग एंगल पर अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यहां पर हमने ट्रिगर किया। तो यहां पर स्टार्ट सबसे पहले होगा बी फेज से, तो ये हो गया वी बी। नाउ इसका टाइम पीरियड हमने क्या देखा था, टी नॉट इज इक्वल टू 120 डिग्री, 2π/3 रेडियन और 120 डिग्री। तो यहां पर वी आर कितने डिग्री तक ऑन रहेगा, दिस इज वी आर 120 डिग्री, ठीक है। 150 डेट इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली वी वाई की वेवफॉर्म 120 डिग्री रहेगी, ठीक है। नाउ इसकी वेवफॉर्म ऐसी वी बी, ओके। तो ये हो गए अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर वेवफॉर्म आउटपुट की, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कौन कौन से थायरिस्टर कब ऑन रहेंगे। तो वी आर में हमारा थायरिस्टर कौन सा लगा है, वी आर में टी वन, तो यहां पर थायरिस्टर टी वन ऑन रहेगा। वी वाई में हमारा थायरिस्टर लगा है टी टू, तो वाई फेस में टी टू, तो टी टू ऑन रहेगा यहां पर, और यहां पर टी थ्री ऑन रहेगा, ठीक है। नाउ सी, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर वेवफॉर्म कैसी बनेगी। वी नॉट, मान लीजिए ये रहा 30 ना, 30 डिग्री पर हमने एससीआर को ट्रिगर किया, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। 30 डिग्री पर जब हमने ट्रिगर किया तो वेवफॉर्म देख लेते हैं, ये रहा 60 डिग्री तक कौन सी वेवफॉर्म लेगा, ये वी बी, तो वी बी आ गई यहां पर, ओके। देन ये हो गई वी बी, देन वी आर को फॉलो करेगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, टी नॉट इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो देन वी आर को फॉलो करेगा, तो यहां पर ऐसी आएगी अप टू 120 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, 60 + 120 डेट इज 180 डिग्री। नाउ इट फॉलोज वी वाई, वी वाई, ठीक है। अप टू 120 डिग्री, तो इट इज 300। नाउ इट फॉलोज वी बी, ओके, सो इट इज 360, ठीक है। इट इज वी आर, वी वाई, वी बी, तो यहां पर टी वन ऑन रहेगा, यहां पर टी टू ऑन रहेगा, सॉरी टी थ्री ऑन रहेगा, यहां पर टी टू ऑन रहेगा, ओके, यहां भी टी थ्री ऑन रहेगा। तो 30 डिग्री तक, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री तक आर लोड और आर एल लोड की वेवफॉर्म सेम आएगी, ठीक है। आर लोड और आर एल लोड की वेवफॉर्म सेम रहेगी, ठीक है, वी आउटपुट के केस में। नाउ अब देखते हैं, जैसे 30 डिग्री से ज्यादा होता है अल्फा
तब वेवफॉर्म में क्या चेंज आएगा आर लोड के लिए और आर एल लोड के लिए। ठीक है, तो मैंने ये पहले से बना ली वी एस की वेवफॉर्म फिर से। नाउ सी अल्फा इज इक्वल टू 30 से ग्रेटर का केस दे लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 पर हमने ट्रिगर किया यहां पर। ओके, तो अप टू 90 इट फॉलोज वी बी वेव फॉर्म। ओके, वी नॉट। ठीक है, अब इसमें मैं दो केस ले लेता हूं। पहला ले लेता हूं आर एन लोड के लिए एंड दूसरा केस मैं बना लेता हूं आर लोड के लिए। दिस टी दिस वी नॉट फॉर आर लोड के लिए मैंने बना लिया। सो अप टू 90 इट फॉलोज वी बी वेव फॉर्म। सो वी बी इज लाइक दिस। ओके, फॉर आर एल लोड इट गोज नेगेटिव। ओके, नाउ आफ्टर 90 डिग्री इट फॉलोज वी बी वेव फॉर्म, वी आर वेव फॉर्म। सो 190 प्लस 120 दैट इज 210, 210 इट फॉलोज इज वी आर इज वी पी। तो 120 डिग्री हो गया यहाँ 210। नाउ अप टू 210 प्लस 120 डेट इज 330 डिग्री इट फॉलोज वी वाई देन वी बी। ओके, वी बी। सो इट इज द वे फॉर्म फॉर आर एल लोड। नाउ फॉर आर लोड VB is up to here, then no negative portion for R load, so it is zero. Similarly, in this case also, up to 180 degree, it follows VR. When VR goes negative, it is zero. Again, in this case also, up to 330 degree, it follows VY, then 0, like this, then VB. So it is waveform for RL load and R load when alpha is equal to 60 degree. This is the case. ओके, अब हमने अगर यहां पर आर एल लोड में फ्री व्हीलिंग डायोड यूज कर लेंगे तो ये नेगेटिव पोर्शन हट जाएगा और यहां पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा विथ आर लोड एंड आर एल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ भी ये केस होगा, ऐसी वेवफॉर्म आएगी। ठीक, हम क्या करते हैं एवरेज वोल्टेज देख लेते हैं दोनों केस में। व्हेन अल्फा लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री और व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो दोनों केस में हम एवरेज वोल्टेज देख लेते हैं। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू 1/T0 इंटीग्रेशन पाई बाय 6 प्लस अल्फा टू 5π/6 अल्फा। वी एम फेस साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, नाउ इन दिस केस टी नॉट इज 2π/3, तो 3/2π हो जाएगा। देन वी एम फेस मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है,
देन साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी 5 पाई बाय 6 प्लस अल्फा 2 पाई बाय 6 प्लस अल्फा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा √3 cos α। ओके, cos π/6 प्लस अल्फा को एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो cos π/6 प्लस cos π/6 इंटू cos α माइनस sin π/6 sin α, ठीक है, तो cos वाली टर्म बचेगी, ठीक है। नाउ सी, √3 इंटू VM V फेस, ये क्या हो जाएगा, VML लाइन हो जाएगा, फेस इंटू √3 इज लाइन वोल्टेज, तो यहां पर लाइन वोल्टेज आ जाएगा अपॉन 2 π cos α। सो इट इज V0। नाउ सी, दिस इज अल्फा लेस देन और इक्वल टू 30 के केस में होगा ये। नाउ अब देखते हैं, अल्फा जब 30 से ज्यादा हो जाएगा तब V0 क्या आएगा, तो इस केस में हम V0 निकालते हैं, तो सेम प्रोसेस 3/2 π इंटीग्रेशन π/6 प्लस अल्फा 2 π VM फेस साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, 3 VM फेस बाय 2 π 1 cos π/6 प्लस अल्फा। सो व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री V0 इज दिस, एंड व्हेन अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री V0 इज दिस। सो अब देखते हैं दोनों केस में RMS वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। नाउ फॉर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री और अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री, RMS वोल्टेज देख लेते हैं। RMS वोल्टेज इज, वी नो फॉर्मूला, VM फेस अपॉन T0 लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 sin 2 L माइनस sin 2 U 1/2। ओके, सो इट इज VM फेस ठीक है, ये होता है, सो 2π/3 अपर लिमिट इज 5π/6 प्लस अल्फा, लोअर लिमिट इज π/6 प्लस अल्फा, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, देन 1 प्लस 2 sin 5π/6 प्लस अल्फा माइनस sin π/6 प्लस अल्फा 1/2। सो आफ्टर सॉल्विंग द रिजल्ट इज 1/6 प्लस √3 8π cos 2α 1/2। ओके, दिस इज द रिजल्ट फॉर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ सी VRMS फॉर अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री। सो इस केस में भी यही फॉर्मल लगा के हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आता है VML √π/6 माइनस अल्फा, इसकी अपर लिमिट है π और लोअर लिमिट है π/6 प्लस अल्फा,
इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, साइन 3 पाई 1/2। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री। नाउ सी वन मोर केस, हाई इंडक्टिव लोड विथ फ्री विलिंग डायोड। तो इसमें कंपेरिजन करते हैं, अल्फा है लेस देन और 30 डिग्री, दूसरा केस अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो इसमें पहला, फ्री विलिंग डायोड विल नॉट कंडक्ट, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये है, इसमें फ्री विलिंग डायोड विल कंडक्ट। नाउ सी सेकेंड पॉइंट, कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर, फॉर ईच थायरिस्टर इज हाउ मच, 2π/3, 2π/3 रेडियन। सो आई टी एवरेज क्या हो जाएगा, हाईली इंडक्टिव लोड माना है हमने तो आई नॉट को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, ठीक है। सो आई नॉट इंटू 2π/3 आउट ऑफ 2π, तो इट्स एवरेज वैल्यू इज I0/3। नाउ आई टी आर एम एस देखें, आई टी आर एम एस इज आई नॉट, इट्स अंडर रूट, तो I0/√3, ठीक है। देन यही केस हम अल्फा ग्रेटर देन 30 के लिए देखेंगे, तो इसमें भी जो कंडक्शन एंगल ऑफ ईस्ट थायरिस्टर इज सी, अब यहां पर देखो, तो इसमें फ्री विलिंग डायोड कितना कंडक्ट कर रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो फ्री विलिंग डायोड कंडक्ट करेगा अल्फा माइनस पाई बाय 6, क्यों, क्योंकि अगर 30 डिग्री होता है तो फ्री विलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अल्फा जितना ज्यादा होगा 30 डिग्री से उतना फ्री विलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, तो फ्री विलिंग डायोड इतना कंडक्ट करता है अल्फा माइनस पाई बाय 6। अगर पाई बाय 6 पुट करेंगे तो यहां पर 0 आएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा 30 से फायरिंग एंगल होगा उतना फ्री विलिंग कंडक्ट करेगा। तो ये हो गया फ्री विलिंग डायोड का कंडक्शन। नाउ अब सी रेजिस्टर कितना कंडक्ट करता है, तो 2π/3 पहले केस में कंडक्ट कर रहा था, पर इसमें फ्री विलिंग डायोड भी कंडक्ट कर रहा था, उसको माइनस करेंगे हम, कितना कंडक्ट कर रहा था, इट इज अल्फा माइनस पाई बाय 6, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, सो इट विल बी 6 4π प्लस 5π बाय 6 माइनस अल्फा। तो कंडक्शन एंगल क्या हो गया थायरिस्टर का, 5π बाय 6 माइनस अल्फा। तो इस केस में आई टी एवरेज क्या हो जाएगा, आई टी एवरेज हो जाएगा आई नॉट 5π बाय 6 माइनस अल्फा आउट ऑफ 2π। सी ओके, आई टी आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट इसका √2, 1/√2, 1/2, ठीक है। इसी में फ्री विलिंग डायोड का एवरेज हम देखें तो क्या आएगा, इट कंडक्ट्स फॉर पाई माइनस अल्फा माइनस पाई बाय 6, तो आई नॉट अल्फा माइनस पाई बाय 6 आउट ऑफ 2π/3। सो इट्स एवरेज वैल्यू इज दिस। और आई एफ डी आर एम एस देखेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट इसका 1/2। ओके, तो ये रहा केस जब अल्फा ग्रेटर था 30 डिग्री से, ठीक है। अब
ये जो केस है ये है विथ फ्री विलिंग डायोड। अगर विदाउट फ्री विलिंग डायोड है तो सेम वही फॉर्मूले होंगे जो अल्फा लेस देन और इक्वल टू 30 था, वही फॉर्मूले इसमें आएंगे। ठीक है, क्या थे इसमें? आई टी एवरेज था, आई नॉट बाय 3, आई टी आर एम एस था, आई नॉट बाय √3। तो सेम फॉर्मूले वही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट फ्री विलिंग डायोड। नाउ सी ड्रॉबैक क्या है थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर के। तो सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर में जो ड्रॉबैक था, एक तो सेम रहेगा और एक और देखेंगे। तो पहला है, मान लीजिए मैं आई आर की वेव फॉर्म बना रहा हूं, आई आर की वेव फॉर्म बनाई फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, तो इट इज 32 150 डिग्री आई नॉट। इसमें आई नॉट कांस्टेंट मार रहा हूं, हाईली इंडक्टिव लोड मार रहा हूं और यहां पर आई नॉट को कांस्टेंट मार रहा हूं। ठीक है, तो ये आएगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सोर्स करंट क्या कंटेन कर रहा है? डीसी कंपोनेंट। अब डीसी कंपोनेंट ये कंटेन कर रहा है तो क्या करेगा, ये जो अपना सप्लाई में ट्रांसफॉर्मर है उसकी कोर को, ट्रांसफर की कोर को सेचुरेट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उसमें भी आ रही थी सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर में, इसमें भी है, सेम प्रॉब्लम है। तो इसलिए जनरली हम थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा ड्रॉबैक है, इसमें जो आर लोड के लिए फायरिंग एंगल है उसकी लिमिट है 0 से 150 डिग्री ओनली। ठीक है, तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तो ये रहा थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर, थ्री पल्स कन्वर्टर। अब देखेंगे इसके बाद थ्री फेस फुल वेव रेक्टिफायर और सिक्स पल्स कन्वर्टर। ठीक है, थैंक यू।